दोस्तों बेस्ट बजट ट्राइपॉड जिसमें आप अपने कैमरा डीएसएलआर स्मार्टफोन किसी को भी माउंट कर सकते हैं। और भाई साहब इसकी बिल्ड एंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी, इसमें बहुत ही अच्छे मटेरियल का यूज किया गया है और ये बहुत ही ज्यादा ट्रेवल फ्रेंडली, आप इसको ले जाकर के कहीं भी शूट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हेलो ब्लॉगर, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मुझे पता है दोस्तों आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देखने आए होंगे सभी ब्लॉगर होंगे। आप में से कुछ ब्लॉगर ऐसे होंगे जो अभी भी अपने एक ब्लॉग चैनल शुरू किए होंगे और कुछ ब्लॉगर ऐसे होंगे जो अभी तक अपने ब्लॉग को मोबाइल से शूट करते थे, लेकिन अब उनको एक बेस्ट बजट का एक प्रोफेशनल ट्राइपॉड चाहिए जिसमें वो कैमरा मोबाइल सभी को माउंट कर सके। तो भाई साहब मैंने यूट्यूब में बहुत सारे ट्राइपॉड का रिव्यू देखा, बहुत सारे ट्राइपॉड का मैंने अनबॉक्सिंग देखी है, लेकिन बहुत से ट्राइपॉड का रिव्यू देखने के बाद फाइनली मैंने एक ऐसे ट्राइपॉड को बाय कर लिया जिसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और यह ट्राइपॉड आपको 5-6 साल तक साथ देने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। तो ये है दोस्तों साइवो का S11 ट्राइपॉड और भाई साहब आप देख सकते हैं कितना प्रोफेशनल देखने में लग रहा है। और इसकी आप अगर बिल्ड एंड डिजाइन को अच्छे से देखेंगे तो यूएलएनजी का जो एक ट्राइपॉड आता है यूएलएनजी MT11 उसे दोस्तों पर सेम टू सेम देखने में लग रहा है। अभी दोस्तों बताऊं कि उससे इसमें क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस है और क्या इसको आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप इसमें कैप्चर कर सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे आप यहाँ पर फैमिली ग्रुप्स हो गया, मतलब स्पोर्ट एक्शन के लिए, मतलब आप ब्लॉग के लिए पूरी तरह से बनाया गया है। तो आप जैसे ट्रैवल करेंगे, आप कई जगहों में जाएंगे तो आप चीज़ें को मतलब आप कैप्चर कर पाएंगे। और पहले भी दोस्तों मैं पर साइवो के ही एक ट्राइपॉड को मैंने अनबॉक्सिंग की थी, वो भी दोस्तों मुझको बहुत ही बेहतरीन लगा था। भाई साहब ये नई कंपनी है तो मतलब इसमें काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ पर काम कर रही है और काफ़ी बजट में ये ट्राइपॉड को लॉन्च करती है। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा फ्लैगशिप मिनी ट्राइपॉड, मतलब काफ़ी फ्लैगशिप है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई जैसे मैं आपको बता दूँ, नेट वेट इसका 0.25 kg का इसका वेट है और ये मैक्सिमम 3 kg तक के वेट को मतलब होल्ड कर सकता है। तो आप यहां पर 3 kg तक के वेट को मतलब होल्ड कर सकते हैं। और 12 इंच इसकी हाइट है, इसमें आपको मटेरियल हाई इलास्टिक प्लास्टिक देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही अच्छा मटेरियल भाई साहब इसमें यूज किया गया है। और साथ में दोस्तों अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको नीचे यहां पर लिखा 1 ईयर वारंटी, आपको 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों एक फॉर्मेलिटी चीज़ होती है मतलब यहाँ पर ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि वारंटी इसमें कुछ नहीं होता, कोई नहीं जाता इसको बनवाने, ना जल्दी ख़राब होते हैं। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं बिना बकबक किए हुए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग में ऐसा कुछ पॉलीथीन में ये आता है। और साथ में आपको यहाँ पर पहले आपको दिखा दूँ मैं, एक कार्ड मिलता है जहाँ पर अगर मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं लिखा हुआ है 50 रुपये का कैशबैक मिलेगा। आपको इस नंबर में आपको मैसेज करना है और आपको इसका कोड बताना है तो आपको 50 रुपये वापस कंपनी देगी। तो आपको मतलब 50 रुपये का और भी डिस्काउंट मिल जाता है। साथ में दोस्तों अगर देखें तो इसमें यूजर गाइड देखने को मिल जाती है, मतलब ये वारंटी कार्ड भी है एक प्रकार से, आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं और इसमें चीज़ें लिखूँ कि कैसे कैसे आपको कैसे यूज करना है। तो ये सब चीज़ें कोई मतलब की नहीं, मैं आपको बता दूंगा। इसको हम रखते हैं साइड में डब्बे को और हम यहाँ पर अब देख दोस्तों देखते हैं कि ये कैसा ट्राइपॉड है। आप जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी पॉलीथीन को बाहर निकाल लेता हूँ भाई साहब, आप देख सकते हैं कि इसकी यहाँ पर प्लास्टिक कितनी अच्छी यूज की गई, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना इलास्टिक प्लास्टिक इसमें यूज किया गया है, बहुत ही अच्छी इसकी क्वालिटी है। और ये भाई साहब पूरी तरह से मुड़ जाता है, आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। इसको दोस्तों ऑक्टोपस ट्राइपॉड कहा जाता है। इसके पहले दोस्तों मेरे पास यहाँ पर गुल्लर ट्राइपॉड था, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो राउंड राउंड होते हैं ना वो दोस्तों टाइम के साथ साथ मतलब जाम होने लगते हैं, टाइट होने लगते हैं, फिर वो काम नहीं करते हैं और वो जल्दी टूट भी जाते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये है दोस्तों यहाँ पर साइवो का S11 ट्राइपॉड, यहाँ पर ब्रांडिंग भी दी हुई है। और सबसे खास बात दोस्तों इसकी ये है कि आप इसमें कैमरे को, DSLR को, मोबाइल को, यहाँ पर आप लाइट को, माइक को, सब चीज़ों को अटैच कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों इसको क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर एक दिया हुआ है लाइट वाइट लगाने के लिए, मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ पर एक कनेक्शन दिया हुआ, आप यहाँ से लगा सकते हैं। और फिर आप जैसे ऊपर देखते हैं तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि ये मेटल का है। आपको 500 रुपये के जो ट्राइपॉड देखने को मिलते हैं ना, उनमें क्या होता है कि उनमें ये मेटल का नहीं होता, ये भी प्लास्टिक होता है, ये भी प्लास्टिक होता है, तो टूटने का चांसेस रहते हैं और ये लेग भी टूट जाते हैं। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छे क्वालिटी के यहाँ पर प्लास्टिक का यूज किया गया है। और इसमें दोस्तों आपको होल्डर भी साथ में मिलता है, मोबाइल का होल्डर। तो आप जैसे देख सकते हैं ये कैसे ओपन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे इसको अंदर से आप इसको जैसे स्ट्रेच करेंगे तो आप दोस्तों देख सकते हैं ऐसे कुछ ये ओपन होता है और आप इसमें अपने मोबाइल को यहाँ पर लगा सकते हैं। ऐसे ये मोबाइल लगाने का सेम सिस्टम है। और अगर आप इसको बंद करेंगे तो आप यहाँ पर कैमरे को भी होल्ड कर सकते हैं और आप इसको 360 में इसकी बॉल को आप घुमा सकते हैं, 360 में कहीं भी घूम जाती है। और आपको अगर यहाँ पर 9:16 में आपको शॉर्ट वीडियो अपलोड करने हैं तो आप इस तरह से आप बिल्कुल इधर करके आपको यहाँ पर ऐसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं अपने कैमरे को, ईजिली बन जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं
और इसको बंद करने में दोस्तों, जैसे हम यहाँ पर मोबाइल को नहीं, हम अपने कैमरे को लगाना चाहते हैं, तो हम इसको यहाँ पर बंद कर देंगे। और बंद करने में दोस्तों आपके यहाँ पर जो यहाँ पर चक्री जैसे बना हुआ है, इससे दोस्तों आप क्या होता है कि यहाँ का जो नट है ऑटोमेटिक घूमता रहता है, तो आपको कैमरे को इसके ऊपर रखना है और इसको घुमाते जाना है, तो इससे कहो कि वो कैमरा ऑटोमेटिक इसमें फिट हो जाएगा। तो भाई साहब ये कैमरे के लिए और यहाँ पर जो मोबाइल के लिए बहुत ही पोर्टेबल है, बहुत ही मतलब ये सही है। और यहाँ पर लाइट कैसे लगाते हैं वो भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। आप जैसे इस ट्राइपॉड को लेंगे तो आपको यहाँ पर ये जो जगह दिख रही है, यहाँ पर लाइट को मतलब अटैचमेंट किया जाता है, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर कनेक्शन है जिससे आप लाइट को होल्ड कर सकते हैं, और फिर हमको यहाँ से बगल से इसको टाइट कर देना है। भाई साहब अगर मैं इसको टाइट कर देता हूँ तो ये बहुत ही मतलब मजबूत हो जाता है, इससे फिर घूमता नहीं है, तो इसकी मतलब यहाँ पर जो मतलब मजबूती है बहुत ही टाइट है, तो इससे आपका मोबाइल बहुत ही मजबूती से रहेगा। मैंने दोस्तों इसको इसलिए बाय करना प्रेफर किया क्योंकि यार हम यहाँ पर 15-20 हज़ार के फ़ोन को लगाते हैं एक ट्राईपोड में, कैमरे को लगाते हैं, तो यार ट्राईपोड भी अच्छा होना चाहिए ताकि कल के दिन ये टूटे ना और हमारे कैमरे में नुकसान ना हो, इसलिए दोस्तों मैंने इसको बाय किया। इसका दोस्तों मुझको प्राइस पड़ा है 899 यानी 900 रुपये, तो दोस्तों 900 रुपये मुझको बहुत ही अच्छा पड़ गया है। जबकि अगर आप दूसरी कंपनी का यूलैनजी कंपनी का बाय करने जाएंगे जो कि MT11 है, और उस ट्राईपोड को बहुत से यहाँ पर ब्लॉगर भी यूज़ करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं, तो भाई साहब उसी की तरह सेम है वो दोस्तों, यहाँ पर 1200-1300 रुपये का है और ये आपको 900 रुपये का देखने को मिल जाता है। बस यहाँ पर कंपनी ये नई है इसलिए यहाँ पर थोड़ा सस्ता दे रही है वो दोस्तों, कंपनी जानी मानी तो ब्रांडिंग के चक्कर में अपना प्राइस बढ़ा दे रही है, क्योंकि उन्हें पता कि हमने अपना नाम कमा लिया तो अपना प्राइस भी बढ़ा देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ट्राईपोड के बैक साइड में आपको यहाँ पर बैलेंस के लिए यहाँ पर बाल होल्ड भी दिया हुआ, मतलब यहाँ से आप अपने बैलेंस भी कर सकते हैं जैसे आप ब्लॉग बनाएंगे। और आप तो जानते हैं कि ब्लॉग के लिए हमें कैमरा इधर लगाना होता है, इधर शूटिंग करनी होती है, और जैसे मैं इसको यहाँ पर मोड़ देता हूँ आप दोस्तों देख सकते हैं कितना ये इलास्टिक है, आप इसको कहीं भी किधर भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ईजिली दोस्तों, ये टेढ़ा हो जाता है तो इसको आप कहीं भी दोस्तों यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पोर्टेबल है और बहुत ही प्रोफेशनल है, और आपको एक बार सिर्फ पैसे ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट करने हैं और आपको एक अच्छी चीज़ मिल जाएगी, एक अच्छी क्वालिटी का रहेगा, और भाई साहब ये काफ़ी टाइम तक चलने वाला है क्योंकि बिल्ड एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, गिरने में दोस्तों जल्दी टूटेगा भी नहीं। और अगर आपके यहाँ पर कैमरे को अच्छे से अटैच करना तो आप इसके यहाँ पर जो मतलब ये हेड है इसको आप यहाँ पर इसको खोल भी सकते हैं, और आप यहाँ से मतलब कैमरे को यहाँ भी फिट कर सकते हैं, तो यहाँ भी दोस्तों कैमरा फिट हो जाता है। ऐसे दोस्तों देख सकते हैं पूरा मेटल का बना हुआ अंदर से, तो दोस्तों ये टूटने के इसके कोई भी चांसेस नहीं है, तो दोस्तों आप इसको इजीली बाई कर सकते हैं। मैंने इसको 4-5 दिन यूज़ भी किया है, बहुत ही अच्छा दोस्तों ये ट्राईपोड है, आप ब्लॉग के लिए इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों साइवो का S11 ऑक्टोपस ट्राईपोड, जो कि भाई साहब पर्सनली मुझको बहुत ही अच्छा लगा। आप इसमें कैमरे को, माइक को, सभी चीज़ों को माउंट कर सकते हैं। और दोस्तों इसके कंपेरिजन में जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपके यहाँ पर यूलैनजी कंपनी का एक ट्राईपोड देखने को मिल जाता है, लेकिन भाई साहब आप तो जानते हैं कि जो जानी मानी कंपनी होती है वो अपनी प्राइस को पहले से 100-200 रुपये इंक्रीज कर देती है, जबकि बिल्ड एंड क्वालिटी और मटेरियल दोनों दोस्तों सेम टू सेम है, और देखने में दोस्तों ये बिल्कुल सेम टू सेम देखते हैं। अगर आप इसमें नाम को नोटिस नहीं करते हैं तो आपको दोनों सेम टू सेम देखने को मिल जाएंगे। अब आप में से दो टाइप के ब्लॉगर ट्राईपोड को बाई करेंगे, पहले तो होंगे जिनका बजट बहुत ही कम है, मतलब शुरू में अभी मतलब ब्लॉग को शुरू कर रहे हैं, तो उनको दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 500 के अंडर में एक अच्छा ट्राईपोड बाई कर लीजिए, उसकी लिंक मैं दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सेकेंड नंबर में वो होंगे जिनको एक प्रोफेशनल ट्राईपोड बाई करना है, जिसमें वो अपनी लाइट को लगा सके, अपने माइक को लगा सके, DSLR को माउंट कर सके, मोबाइल को भी माउंट कर सके, और उनका ट्राईपोड काफी टाइम तक चले, उनके बार बार मतलब खरीदना ना पड़े, तो उनको दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहां पर साइवो के S11 को बाई कर लीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा, इसकी प्लास्टिक बहुत ही अच्छी यूज की गई है, और भाई साहब मुझको 5-6 दिन इसको यूज करते हो चुके हैं, तो दोस्तों इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बढ़िया रहा, आप इसको आंख मूंद करके बाई कर सकते हैं। मैंने इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो आप वहां से इजीली इसको बाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा फ्यूचर में जो भी गैजेट्स ब्लॉग के लिए बाई करने वाला हूं उसकी लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप भी उसको बाई कर सकते हैं। दोस्तों अभी मेरा बजट नहीं, तो दोस्तों मैं इन गैजेट्स को बाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपका बजट है तो दोस्तों आप इनको बाई कर सकते हैं, दोस्तों मेरे ड्रीम गैजेट्स होने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और भाई साहब मैं भी आपकी तरफ ब्लॉगर हूं, तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं भी दोस्तों आपसे कुछ नई चीजें सीखूंगा, आप भी दोस्तों मुझसे कुछ नई चीज सीखना, और ऐसे ही साथ में ग्रो करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।